वेलकम बैक। मैं चंद्रपुर रास्ता आ जाए के समय जानकारी के साथ। आज का जो जानकारी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जो अपने घर पे जो है एलपीजी रसोई गैस रखे हुए हैं। तो आज हम बताने वाले हैं रेगुलेटर और पाइप से रिलेटेड कि अगर आपका रेगुलेटर खराब हो जाता है, पाइप खराब हो जाता है, तो क्या गैस एजेंसी में फ्री में एक्सचेंज हो जाएगा? और वो खराब होता है तो गैस एजेंसी में जाएंगे तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि रेगुलेटर खराब हुआ है कि नहीं? सबसे पहले तो हमें बता दें कि घर में जब भी आप जो है गैस ऑन करते हैं और जब भी गैस जो है वहाँ से आवाज़ करता है या किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो हम लोग सीधा रेगुलेटर को लेकर के एजेंसी में पहुंच जाते हैं, या रेगुलेटर पुराना हो गया है तो हम लोग लेकर के एजेंसी में पहुंच जाते हैं। तो दिमाग में आएगा कि भाई एजेंसी में लेकर पहुंच गए तो वहाँ वो लोग चेक कैसे करेंगे? तो यहाँ भी चेक करने का सारा साधन है जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखाने का प्रयास करूँगा। यहाँ पे चूल्हा पाइप के साथ लगा हुआ सिलेंडर सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल होता है। अब ऐसे में जब भी आप रेगुलेटर लाएंगे और जो सा भी प्रॉब्लम बताएंगे, मान लीजिए पुराना ही हो गया है, आप बोलेंगे कि हमारा खराब हो गया, तो यहाँ पर लगाएंगे और लाइव चेक करके दिखाएंगे कि आपका सही है कि नहीं, या गैस पास कर रहा है, आवाज़ कर रहा है, तो ऐसे में वो लगा करके देखेंगे कि यहाँ आवाज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ तो आवाज़ नहीं कर रहा है, घर पे लगा रहे हैं सिलेंडर में तो आवाज़ कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है? तो चलिए वो आज हम बताएंगे। और एक्सचेंज में क्या पैसा लगता है, नहीं लगता है, सारा कुछ रेगुलेटर का और पाइप का दोनों जानकारी हम देंगे। तो अगर यदि रेगुलेटर से ऑन करने पे आवाज़ कर रहा है तो आपका रेगुलेटर खराब नहीं है, रेगुलेटर बिल्कुल सही है। उसको लेकर के अपने एजेंसी में जाने की जरूरत नहीं, आप घर पे ही ठीक कर सकते हैं या वहाँ जाएंगे भी तो वो बता देंगे। उसमें होता क्या है कि आपका जो रेगुलेटर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहीं पे एक ओरिंग होता है जो कि मेरे पास है, इसको बड़े आसानी से पुराना वाला जो ओरिंग जो कटा होगा या नहीं होगा उसको हटा लेना है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आपको वहाँ पे लगाना है। लगाने के बाद जैसे ही आप रेगुलेटर बैठाएंगे आपका वो जो ऑन करने के बाद आवाज़ करता है उस समस्या का समाधान हो जाएगा। या फिर अगर आपका पुराना रेगुलेटर है, आपको ऐसा लगता है कि खराब है, तो रेगुलेटर कितना ही पुराना हो जाए वो खराब नहीं होता है। वो आप दिमाग लगाएंगे कि इसको ले जाकर के हम एक्सचेंज करा लेते हैं तो ऐसा कोई बात नहीं, जब तक उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अगर प्रॉब्लम आएगा तो घर में उसमें मैकेनिक दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा नियरेस्ट एजेंसी में जाइए, वहाँ अपने हिसाब से वो चेक करेंगे, अगर खराब होगा तो उसको एक्सचेंज करेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर टूटा हुआ है नॉब जो कि ऑन ऑफ करने वाला होता है तो उसका कुछ चार्ज लगेगा और आपको बड़े आसानी से एजेंसी से चेंज हो जाएगा। ऐसे में हम ये भी रिकमेंड करेंगे कि आप मार्केट से नया ना लें, जब भी लेना भी हो तो आप एजेंसी से ही लें। अब रही बात पाइप की, तो पाइप का आपका पैसा लगता है जो कि अभी 190 या 190 रुपये आपके लग रहे हैं और 5 साल में आपको पाइप अवश्य चेंज कर देना है, चूँकि 5 साल के बाद पाइप जो है एक्सपायर कर जाता है। ऐसे में आपको लगेगा ऊपर से देखने में पाइप तो सही है लेकिन वो दुर्घटना है, कभी भी उससे दुर्घटना हो सकती है। तो आज का जो जानकारी था यही था, आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर मिलेंगे फ्रेश टॉपिक के साथ, आज का टॉपिक यहीं तक। बाय बाय, टेक केयर।